हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल एक्सट्रीम टेक में। और आज इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं कि रेडमी वाई वन स्मार्टफोन के लिए अपडेट आ चुका है ग्लोबल बीटा का, जिसे सस्पेंड कर दिया गया था, बंद कर दिया गया था मीवाई 10 की टेस्टिंग के लिए। और ये जो अपडेट है ये आना था जुलाई में, पर ये पहले दे दिया है और ये काफी बड़ा अपडेट है और काफी लेटेस्ट अपडेट नहीं है। तो आइए जाते वीडियो में कि इसमें क्या कुछ नया देखने को मिल जाता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले मैं आपको ये सॉरी बोलना चाहता हूँ कि वीडियो आई है बहुत ज़्यादा लेट, और मैं बता दूँ कि मैं घर पे नहीं था बहुत टाइम तक। उससे पहले भी जितनी वीडियो आई है वो भी मैं घर पे नहीं था, पर मैंने पहले रिकॉर्ड कर रखी थी और अपलोड कर दी, पर ये मैं बना नहीं पाया तो मैं कर नहीं पाया। पर अब आपको वैसे ही वीडियो मिलेंगी जैसे जैसे मैं अपनी सीरीज में आपको देता रहता हूँ। और फ्रेंड्स मैं आपको बता दूँ, रेडमी वाई वन के लिए अपडेट आ चुका है और वाई वन लाइट के लिए भी आ चुका है। और ये अपडेट का वर्जन बहुत पुराना मिला है हमें, पर जो भी हो अपडेट तो मिला है। इस अपडेट का वर्जन है 9.8.4.28। मुझे नहीं पता ये वाला वर्जन अब क्यों दे रहे हैं। मुझे लगता है कि MIUI 10 जो आने वाला है उसके लिए ये वाला वर्जन अभी दे रहे हैं। MIUI 10 मेरे को लगता है इस फ्राइडे जो है MIUI 10 कई डिवाइसेस को मिला भी है ग्लोबल बीटा रोम। और अगला डिवाइसेस होंगे रेडमी नोट 4, रेडमी नोट 3 ये वाले, उसके अगले होंगे रेडमी वाई 1, रेडमी वाई 2। तो फ्रेंड्स मेरे को लगता है अगले बार जो अपडेट आएगा इसका ग्लोबल बीटा का रेडमी वाई 1 के लिए, वो थोड़ा लेटेस्ट हो जाएगा, फिर उसके बाद जो है वो MIUI 10 पे ज़्यादा डायरेक्टली चला जाएगा। तो ये जानते हैं वीडियो में कि इस अपडेट में क्या ज़्यादा देखने को मिल जाता है। चेंज लॉग की अगर हम बात करें तो उसमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, मैं आपको बता दूँ। वॉश नहीं मगर जाए तो वही लिखा है फिक्स बग्स इम्प्रूव सिस्टम स्टेबिलिटी, जो हर बार लिखते हैं। और फ्रेंड्स पर इसके अलावा भी कई कुछ में देखने को मिल जाता है इस अपडेट में। नेट को कहता हूँ मैं ऑफ, क्योंकि फिर नोटिफिकेशन आती है तो दिक्कत हो जाती है। तो उसके बाद हम लॉक स्क्रीन अगर हम जाते हैं सब देख सकते हैं अब कितनी सारी चीज़ें लिखी हुई हैं इस अपडेट में। लॉक स्क्रीन चेंज, तो सबसे पहली बात तो इस अपडेट में हमें लॉक स्क्रीन जो है वो बिल्कुल ही चेंज देखने को मिलती है। आप देख पा रहे होंगे लॉक स्क्रीन जो है वो बिल्कुल चेंज है, जो क्लॉक है वो बीच में आ गई है। और अब देख ही पा रहे होंगे कि लॉक स्क्रीन में क्या चेंज करे गए हैं। वो जो क्लॉक बीच में आ चुकी है फिर से बोलना पड़ेगा, बीच में बिल्कुल पहली बात तो ये है। उसके बाद हमें देखने को मिल जाता है वॉलपेपर कर्सर ऑप्शन मूव्ड। तो ये क्या है, पहले को पता होगा जब क्लॉक साइड में थी तो वॉलपेपर कर्सर का ऑप्शन जो है वो यहाँ आता था, पर उसे मूव कर दिया गया है। अगर आप यहाँ साइड स्वाइप करेंगे तो आपको यहाँ पे वॉलपेपर कर्सर का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, और जिससे आप वॉलपेपर को सिलेक्ट कर सकते हैं, आगे पीछे कर सकते हैं। उसके बाद हमें देखने को मिल जाता है यहाँ पे खुल जा भाई MIUI एप्स चेंज। ये आपको बता दूँ कि जो मैं बता रहा हूँ ये पहले भी बता चुका हूँ मैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें मेरे को रेडमी नोट 4 में मिल चुकी हैं। अगर आपने वो वीडियोस चेकआउट नहीं करी हैं आप उसे भी कर सकते हैं, अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो इसे भी देख सकते हैं, बाकी उसमें ज़्यादा चीज़ें हैं थोड़ी सी। तो हम आपको तो मी ऐप जो है वो अगर आपने पहले वाले देखा होगा तो उसमें आपको कई सारे ऑप्शन देखने को मिलते थे नीचे, पर आपको अभी यहाँ पर सिर्फ 3 ऑप्शन देखने मिलते हैं, होम्स, गेम्स और टूल्स। तो इन 3 ऑप्शन के थ्रू ही आप पूरा मी ऐप्स को चला सकते हैं। ये इस मी ऐप्स में एक चेंज किया गया है जो काफ़ी अच्छी बात नहीं लगी मेरे को, बिल्कुल अच्छी बात नहीं लगी। उसके बाद बस ये डाला है। नेक्स्ट में मिल जाती है मोर सॉफ्टवेयर UI मोर स्टेबिलिटी। तो ये क्या है, जब से मैंने अपडेट किया मुझे ज़्यादा फ़ोन जो फॉर फास्ट हो गया है, कोई भी ऐप फटाफट से खुल जाता है। आप देख पा रहे होंगे कोई भी ऐप फटाफट से खुल रहा है, तो मतलब और स्टेबल कर दिया गया है UI को, और ज़्यादा एनहेंस करा गया है, मोर स्टेबिलिटी बढ़ाई गई है, बहुत कुछ चेंज करा गया है, और इसकी स्टेबिलिटी भी काफ़ी बढ़ाई गई है, बग्स को काफ़ी फिक्स कराया गया है। पर वैसे मैं उसमें कोई बग दिखाई नहीं था भाई, रेडमी नोट 4 में बग है उसको फिक्स कर दो वरना बैंड बच जाएगी। नेक्स्ट ईयर में आप देखने को मिल जाती है बैंड नोट गायब हो गया भैया, हट नोट्स भी चलते सीधा। तो मैं नेक्स्ट ईयर में देखने को मिल जाती है ओल्ड अपडेट। तो ये क्या चीज़ है, आपको बता दी पहले, मैं आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि जो अपडेट है ये बहुत ही पुराना है और ये पुराने वर्जन का है, तो इसलिए मैंने इस पर लिख दिया ओल्ड अपडेट, है ना, बहुत ज़्यादा मतलब पुराना अपडेट है बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट ईयर में देखने को मिल जाती है गॉड गेम सेंटर। तो ये क्या, अगर आपको पता नहीं है कि गेम सेंटर क्या है, तो पहले भी जब हमें अपडेट मिला था ग्लोबल बीटा का मेरे रेडमी नोट 4 में, तो हमें उसमें ये गेम सेंटर देखने को मिल जाता था। अगर आप वैसे होगा रेडमी नोट 4 आपको पता होगा जो गेम सेंटर है ये कुछ इस टाइप का दिखता है। अब इस गेम सेंटर में आप देख सकते हैं कैटेगरीज, आप गेम्स सिर्फ इसमें गेम्स ही गेम्स हैं, आपको कोई ऐप देखने को नहीं मिलेगा, इसमें सिर्फ आपको गेम्स देखने को मिलेगी जिससे आप गेम्स खेल सकते हैं, और इसके थ्रू आप गेम मोड में जा सकते हैं, आप कोई भी इसमें गेम्स खेल सकते हैं। जैसे ये पबजी गेम है आप इसे भी खेल सकते हैं, पबजी मोबाइल जरिए अब जैसे आप कोई आप गेम डाउनलोड करके खेल सकते हैं। ये जो फाइल है ये इनमें डाउनलोड करेगा, क्योंकि जो पबजी गेम है उसकी फाइल बहुत बड़ी है, पर इनमें डाउनलोड करेगा। अगर आप चाहते हैं तो प्ले स्टोर से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हाँ तो ये हमें देखने को मिलता है कि इसमें आपको गेम सेंटर देखने को मिल जाता है। गॉट अ न्यू ऑप्शन इन मी म्यूजिक। तो ये क्या चीज़ है, अगर हम यहाँ से मी म्यूजिक में जाएंगे, नहीं पता है पुराना है नया ऑप्शन है क्या है,
अगर हम यहाँ जाएँ सेटिंग में तो हमें एडवांस सेटिंग में तो हमें यहाँ पे एक न्यू ऑप्शन देखने को मिलता है जिसका नाम है स्ट्रीम एंड डाउनलोड सॉन्ग्स यूजिंग मोबाइल डाटा। अगर आप इसे इनेबल कर देंगे तो जब आपको अगर आप कोई गाना प्ले करते हैं ऑनलाइन म्यूजिक में तो वो बोलता था कि आपका नेट खत्म हो जाएगा वगैरह वगैरह, पर अगर आप उसको ऑन कर देंगे तो आपको ये नहीं बोलेगा, ये मैसेज आपको टॉप नहीं होगा, आप विदाउट मतलब बिना किसी दिक्कत के आप अपने गाने इंजॉय कर सकते हैं। ये आया है हमारे म्यूजिक एप्लीकेशन में। मुझे बता दो, मुझे बताएंगे कि पुराना है नया है, मेरे को लगा नया है तो फिर मैंने बता दिया क्योंकि मेरे रेडमी नोट फोन में चेक नहीं कर सकता, उसमें पहले ही अपडेट आ चुका है तो सब कुछ आ चुका है उसमें। और उसके बाद में तो मेरा जाए फिक्स MI वीडियो, तो हाँ फ्रेंड्स इसमें अपडेट आया था MI वीडियो के अंदर, अब देख सकते हैं MI वीडियो काफ़ी चेंज हो गया है ऊपर से और अंदर से भी नीचे से भी। अगर ऑनलाइन म्यूजिक की अगर हम यहाँ बात कर लें तो यहाँ पे हमें यूट्यूब का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, एक नया स्पोर्ट्स का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, स्टाइल और एनिमल का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो ये देख सकते हैं आप, ये काफ़ी अच्छी बात है, मेरी वीडियो को भी पूरा एनहांस कर रहे हैं। और आपको एक और चीज़ दिखा दो, अगर हम लोकल में जाएँ, यहाँ से जाएँ, यहाँ से हम एक वीडियो को हाइड करते हैं, इस वीडियो को हम हाइड करते हैं कुछ इस टाइप से, तो आपको पता होगा इसमें एक बग आ रहा था कि जो वीडियो है वो हाइड हो रही थी पर मतलब खुल नहीं रही थी। अब ये जो वीडियो है ये हाइड भी मतलब देख लेते हैं एक बार। तो फ्रेंड जैसे ये वीडियो है आपको पता होगा ये बग जो है इसकी वजह से जो वीडियो है वो हाइड हो रही थी पर अनलॉक नहीं हो रही थी। अब उस बग को फिक्स कर दिया गया है, हमें अनियाचे एक अनहाइड का ऑप्शन देखा मिल जाता है, क्लिक कर दीजिए अनहाइड को और अब अनहाइड वीडियो पे ओके कर दीजिए। ओके करते ही जो वीडियो है वो आपकी हिडन एल्बम से हटके वापस से यहाँ पे आ जाएगी। तो इसको काफी टाइम से फिक्स करने को कह रहे थे, चलो Xiaomi ने फिक्स कर दिया, थम्स अप टू Xiaomi। न्यू अपडेट्स इन वीडियो मैंने आपको बता दिया, मी वीडियो स्क्रीन रिकॉर्डर न्यू ऑप्शन। तो ये क्या है, अगर हम यहाँ से स्क्रीन रिकॉर्डर में जाएंगे तो यहाँ पे हमें नए ऑप्शन देखने मिल जाते हैं, जैसे यहाँ पे हमें देखने को मिलता है फ्रेम रेट का ऑप्शन, साउंड में ओरिएंटेशन का ऑप्शन देखने मिल जाता है और हमें काफ़ी सारे इसमें विजुअल गो बैक टू स्क्रीन रिकॉर्डर। इसका मतलब क्या, अगर आप मतलब स्क्रीन को रिकॉर्ड कर लेंगे, अगर इसमें ऑन कर देंगे तो डायरेक्टली आप स्क्रीन रिकॉर्डर पर चले जाएंगे वीडियो रिकॉर्ड होने के बाद, जैसे पहले जाते थे। अगर आप नहीं करेंगे तो आप डायरेक्टली मतलब सेव कर देंगे वीडियो को तो आप स्क्रीन रिकॉर्डर में नहीं जाएंगे। तो ये ऑप्शन हमें देखने को मिल जाता है। उसके बाद मतलब मिलता है 1.3 GB अपडेट। तो मेरे को ये समझ नहीं आ रही भाई, इसमें एंड्रॉइड का अपडेट तो है नहीं, MIUI का 10 का अपडेट तो है नहीं, तो इतना बड़ा अपडेट देने का मतलब क्या है। इतना बड़ा अपडेट दे दिया उन्होंने 1.3 GB का, तो मैं पागल हो गया देख के, मेरे को लगा कोई एंड्रॉइड बढ़ गया, ओरियो हो गया, ये हो गया। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ ये ओरियो है, चेकआउट करते हैं तो देख सकते हैं अब ये कोई भी ओरियो नहीं रहा, ये हमारा है प्यारा प्यारा नोगैट जो फालतू है। बस फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जिनके पास रेडमी Y1 है या Y1 लाइट है और जो ग्लोबल बीटा हम यूज़ करते हैं। और यार अगर तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसी टेक्नोलॉजी गेमिंग में MIUI वीडियोस लेके आता रहता हूँ। और बस आज की वीडियो में इतना ही, और यार सब्सक्राइब कर मत भूलना क्योंकि तुम्हारे सब्सक्राइब करने वगैरह मेरा चैनल नहीं चलता यार, थैंक्स। तो ठीक है मैं चलता हूँ, मैं तो आपसे नेक्स्ट साइड से वीडियो में, और उससे पहले बता दूँ कि इस बार का सब्सक्राइबर गोल है 1000, तो देखते कब तक कंप्लीट हो पाएगा। चलता हूँ मैं तो आपसे नेक्स्ट साइड से वीडियो में, तो के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।